महाराष्ट्र में कोरोना केस में आई है कमी। 24 घंटे में 29,644 मामले, 555 मरीजों की मौत। महाराष्ट्र में कोरोना के 3,67,000 केस, पॉजिटिविटी रेट है 17%। 24 घंटे में मुंबई में कोरोना के 1,416 नए केस, 54 मरीजों ने तोड़ा दम। अहमदाबाद में ब्लैक फंगस की चपेट में 13 साल का बच्चा, कोरोना से पहले ही हो चुकी है मां की मौत। बार्ज 302 के डूबने के मामले में बड़ा कदम, मुंबई पुलिस ने कैप्टन के खिलाफ केस दर्ज किया, कैप्टन अब तक लापता। लापरवाही से मौत का केस दर्ज, इंजीनियर ने की है शिकायत, तूफान की सूचना के बाद भी इंतजाम नहीं किए गए। तावते तूफान से तबाही के बाद अब तक रेस्क्यू अभियान जारी, जहाज बार्ज 305 के 188 मुसाफिरों को बचाया गया। सांगली में कोरोना के कहर की दर्दनाक दास्तान, 13 घंटे के भीतर मां बाप और बेटे की मौत। रेप के 8 साल पुराने केस में पत्रकार तरुण तेजपाल बरी, निचली अदालत ने पाया निर्दोष। साथ काम करने वाली कर्मचारी लगाया था रेप का आरोप, बुरे दिनों में साथ देने के लिए तेजपाल ने लोगों को शुक्रिया अदा किया। गढ़चिरौली में महाराष्ट्र की कमांडो फोर्स की बड़ी कार्रवाई, एनकाउंटर में 13 नक्सली ढेर। कोटामी जंगल में हुई मुठभेड़, कुछ और नक्सलियों के छुपे होने की आशंका। मारे गए नक्सलियों में कई कमांडर भी शामिल हैं, अतिवादी को भारी नुकसान की खबर। महाराष्ट्र पुलिस की C60 कमांडो फोर्स ने दी घेराबंदी की अगुवाई, बहादुरी से किया नक्सलियों का मुकाबला। जंगलों में छुपे दूसरे नक्सलियों की तलाश जारी है, बड़े स्तर पर छेड़ा गया अभियान। डॉन अरुण गवली की चालें, भाईखला की दगली चाल पर बनेंगी 240 मंजिला इमारतें, माडा ने 10 सालों के रीडेवलपमेंट के लिए जारी किया है LOI। इन सभी 10 चालों का मालिक है गवली और उसका परिवार, बिल्डर्स को BMC से सैंक्शन कराना पड़ेगा रीडेवलपमेंट का प्लान। पुणे के इंजीनियरिंग छात्र की अनूठी ही कामयाबी, रिसर्च के बाद डॉक्टर्स के लिए बनाया है एयर कूल PPE किट। कोरोना की दूसरी लहर ने इस बार ई कॉमर्स कंपनियों को भी नहीं बख्शा है, अप्रैल में 11% तक गिरी है ऑनलाइन शॉपिंग। इस साल नहीं होगी घरों में की कीमतों में कोई बढ़ोतरी, रॉयटर्स ने पिछले साल पोल में इस साल 1.3% कीमतों को बढ़ने का दावा किया था। दो दिन के ब्रेक के बाद फिर महंगा हुआ पेट्रोल और डीजल, शुक्रवार को 15 से 31 पैसे प्रति लीटर महंगे हुए पेट्रोल और डीजल। कोवैक्सीन की दोनों ही डोज के बीच अंतर न बढ़ाने की वजह आई सामने, एक्सपर्ट्स पैनल के मुताबिक पहली डोज कोरोना से बचाव में ज्यादा असरदार नहीं है। IRDA ने पॉलिसी बाजार पर लगाई है 24 लाख रुपए की पेनल्टी, विज्ञापनों के मानकों का उल्लंघन करने पर लगाई गई है पेनल्टी। JP इंसॉल्वेंसी मामले में क्रेडिटर्स ने सुरक्षा ग्रुप की बोली को दी है मंजूरी, NBCC की बोली को किया गया है खारिज। कोरोना काल में बढ़ने लगे होम लोन के डिफॉल्ट के मामले, 75 लाख से ज्यादा लोगों के होम लोन सेगमेंट में हो रहे हैं सबसे ज्यादा डिफॉल्ट। अरब सागर के अंदर बार्ज P305 पर सवार 186 लोगों को बचा लिया गया है, 60 लोगों के शव मिले हैं। P305 और एक दूसरे जहाज के 25 लोग अभी भी लापता हैं। सवाल यह है कि चक्रवात तावते की जब पहले से चेतावनी दे दी गई थी तो जहाज के कैप्टन ने सही एक्शन क्यों नहीं लिया? P205 का कप्तान लापता है, उसके और कुछ लोगों के खिलाफ मुंबई पुलिस ने लापरवाही का मामला दर्ज कर लिया है। आप कह रहे हैं कि कैप्टन के पास इतना ज्यादा एक्सपीरियंस था, उनका अपना कैलकुलेशन था, तो आपको क्या लगता है? अब साइक्लोन को, उसकी स्पीड को, उसके डायरेक्शन को तो कोई भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकता है, जानबूझकर ये क्या कहा जाए इसको? आपको क्या लगता है आखिर यहाँ पर क्या हुआ है? कैप्टन के पार्ट में मिसकैलकुलेशन हुआ है? हमारे कैप्टन को हम लोगों ने रिक्वेस्ट किया, तो उसके पास से भी उन्होंने हमारे साथ वो गायब हो रहे थे, बीच में की देख जो बड़ी आ गई तो उसने वो उसके बाद मेरा उसके साथ कॉन्टेक्ट नहीं।
आज तक संवाददाता पंकज उपाध्याय ने बार्ट्स P-305 के मैकेनिकल इंजीनियर अनिल वाइछल से बात की, जिसमें उन्होंने जहाज के डूबने और क्रू की मौतों के लिए पूरी तरह से कैप्टन राकेश बल्लाव को जिम्मेदार ठहराया है। इससे पहले बार्ट्स P-305 के चीफ इंजीनियर रहमान शेख ने शिकायत की थी कि बार बार चेतावनी दिए जाने के बावजूद भी कैप्टन ने 261 लोगों की जान को खतरे में डाला। कैप्टन गॉडफादर वेसल के लिए, उनको डिसीजन लेना चाहिए तुरंत, ऑनर बोलने दो, कोई भी आने दो उसके अंदर, उनको जान बचाने का, इतना 300 लोगों का, सारे एंकर टूट गए वहां से। वेसल जाके हिट किया एक अनमैन प्लेटफॉर्म को और बड़ा होल हो गया, फिर कंटेनर उड़े, काफी लोगों को छोड़े और कैप्टन वेसल से एस्केप हो गए थे, वेसल छोड़ दिए। इस बीच मुंबई पुलिस ने इस मामले में FIR दर्ज कर ली है। FIR हमने जो बार्ज के इंजीनियर है रहमान शेख साहब, उनके कंप्लेंट के ऊपर हमने ये FIR दाखिल की है। FIR इज रजिस्टर्ड अंडर 304 पार्ट 2 338 ऑफ IPC विच इज कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर। तो इसमें बेसिकली अभी बहुत प्राइमर फेसी होगा बोलना कि इसमें किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी और क्या है, नहीं अभी तक नहीं मिले उनके वेयर अबाउट्स। थैंक यू। बाज P-305 के चीफ इंजीनियर रहमान शेख की शिकायत के आधार पर मुंबई पुलिस ने कैप्टन के खिलाफ FIR तो दर्ज कर ली है, लेकिन अभी भी कैप्टन का आता पता नहीं है। मुंबई पुलिस का यह कहना है कि अब वो मरीन एक्सपर्ट से राय मशवरा करेगी, पूरे मामले की जानकारी इकट्ठा करेगी और उसके बाद शुरू होगा पूछताछ का सिलसिला। सबके दिमाग में यही सवाल है कि चेतावनी के बावजूद क्यों समय रहते P-305 को सुरक्षित स्थान पर ले जाने का फैसला नहीं लिया गया, जबकि ताउते तूफान को लेकर चेतावनी 14 मई की सुबह से ही आ रही थी। जब आपको वार्निंग मिला है वेदर रिपोर्ट, आप पुल आउट क्यों नहीं किए वहाँ से? सारे वेसल तो आ गए थे इधर शेल्टर में, आप क्यों नहीं आए? तो रहमान भाई ने बोले मैंने बहुत रिक्वेस्ट किया कैप्टन को कि कैप्टन साहब यहाँ से पुल आउट करो, सेफ नहीं है, विंड स्पीड गोइंग टू इंक्रीज। तो कैप्टन ने बोले नहीं नहीं नहीं, इट विल नॉट बी हैपन, विंड स्पीड 40 के ऊपर नहीं जाएगा, नॉर्मल होएगा सब कुछ, टेंशन मत लो। तो सडनली जब विंड स्पीड इंक्रीज हुआ मुझे 100 इनका सारे एंकर टूट गए वहां से। सवाल ये भी उठ रहे हैं कि क्या P-305 को गहरे समंदर के अंदर प्रयोग करना सुरक्षित था? ये भी शिकायत आई है कि जहाज पर मौजूद लाइव रेफ्ट खुले नहीं, वरना और जाने बच सकती थी। जब नेवी आए सबको निकाले वहां से, जितने भी लोग थे सबको लाइफ जैकेट पहनाए, सबको निकाले, फिर उन्होंने लाइफ रफ को ओपन करने के लिए कोशिश की। 7-8 लाइफ रफ पंचर थे, डैमेज थे ऑलरेडी। उस दिन जब हवा की स्पीड बढ़ने लगी तो कैप्टन ने क्या किया ये भी सुनिए। हेमंत सिंह जी ने मेरे को बोला, मैंने जब ऊपर आया देखा कैप्टन जंप कर गया वेसल से और सारे लोग चिल्ला रहे थे वेसल के ऊपर। 20 मई की शाम को रेस्क्यू ऑपरेशन में लगा INS कोची और शवों के साथ मुंबई लौट आया। INS तारसा कोस्ट गार्ड के साथ अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन में लगा है। अब तक 51 लोगों के शव मिल चुके हैं। नेवी के मुताबिक 17 मई की सुबह करीब 8:30 बजे उसे ये मैसेज मिला था कि P-305 मुश्किल में है। इसके एक घंटे के अंदर ही इतने खराब मौसम में INS कोची रेस्क्यू मिशन पर निकल पड़ा। P-305 35 नॉटिकल माइल्स पर डूबा था। INS कोची को साइट पर पहुंचते पहुंचते शाम के 4 बज गए। F1 इंफ्रास्ट्रक्चर्स जो कि इस जहाज के लिए वर्कर और सुपरवाइजर देता है, उसने सारी जिम्मेदारी जहाज के कैप्टन, क्रू और मालिक पर मर दी है। F1 इंफ्रास्ट्रक्चर ने अपने बयान में कहा है कि ये चार्टर्ड जहाज उसने दुर्मस से लिया था जो इसका मालिक है, और मरीन ऑपरेशंस की सारी जिम्मेदारी जहाज के मालिक की होती है और जहाज पर तैनात उसके क्रू की होती है। अरब सागर में बार्ज 305 के क्रू को ढूंढने का आज 5वां दिन है। जैसे जैसे दिन बढ़ रहे हैं जहाज पर सवार लोगों के जिंदा रहने की उम्मीद भी कम होती दिख रही है। मुंबई से पंकज उपाध्याय के साथ आज तक ब्यूरो। कोरोना महामारी के बीच ब्लैक फंगस का प्रकोप लगातार बढ़ रहा है, ये महामारी की तरह फैलने लगा है। महाराष्ट्र में इस बीमारी के देश भर में सबसे ज्यादा 1500 से ज्यादा केसेस हैं, 90 लोगों की मौत हो चुकी है। अहमदाबाद में 13 साल के बच्चे में ब्लैक फंगस का केस सामने आया है, यानी कि इस बीमारी की पकड़ बच्चों पर भी हो गई है।
और इसके संक्रमण की वजह और इलाज को लेकर भी लगातार कंफ्यूजन बना हुआ है। देश में ब्लैक फंगस के अब तक 7,250 से ज्यादा केसेस सामने आ चुके हैं, जिनमें से 200 से ज्यादा मरीज अपनी जान गंवा चुके हैं। उत्तर प्रदेश में कोरोना के कहर के बाद अब ब्लैक फंगस का कहर झेल रहा है प्रदेश। राज्य में 850 एक्टिव केसेस हैं, 90 लोगों की म्यूकोमाइकोसिस के चलते मौत भी हो गई है। पूरा जो वार्ड है वो म्यूकर माइक्रोसिस के लिए ही खोल दिया गया है। 300 से अधिक पेशेंट इस म्यूकर माइक्रोसिस के वार्ड में एडमिटेड है। ब्लैक फंगस को राजस्थान सरकार ने महामारी घोषित कर दिया है। दिल्ली, महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, तेलंगाना, कर्नाटक, कोरोना के बीच ब्लैक फंगस अब न सिर्फ लोगों को तेजी से अपना शिकार बना रहा है, बल्कि अहमदाबाद में आज बच्चों में ब्लैक फंगस का पहला केस आ गया। 13 साल के बच्चे का अहमदाबाद के प्राइवेट हॉस्पिटल में ऑपरेशन किया गया। ये बच्चा कोरोना पॉजिटिव हुआ था, जिसकी माँ की कोरोना की वजह से मौत हो चुकी है। आजकल हम ये देखते हैं कि एडोलेसेंट एज ग्रुप में जो बच्चे ज्यादा मेदस्वी होते हैं, मतलब ओबेज होते हैं, तो वो ज्यादातर 13-14 साल के बच्चे भी एक एडल्ट तरह की तरह बिहेव करते हैं। तो उनको भी कभी जब भी कोविड इन्फेक्शन होता है तो बहुत कम नंबर में, लेकिन उनको हॉस्पिटलाइज करना पड़ता है, आईसीयू केयर करनी पड़ती है, ऑक्सीजन और ये सभी दवाइयां देनी पड़ती है, जिसकी वजह से उनको भी ये हाई रिस्क जोन में आना पड़ता है। तो जाके ये म्यूकोरमाइकोसिस बच्चों में या एडोलेसेंट एज ग्रुप में भी हो सकता है। ब्लैक फंगस से पीड़ित 13 साल के बच्चे की जान बचा ली गई, लेकिन इस फंगल इन्फेक्शन से अब तक सैकड़ों लोगों की मौत हो चुकी है, जिसको लेकर लोगों में डर और सरकारों की चिंता बढ़ती जा रही है। हमारी इस लड़ाई में अभी इन दिनों ब्लैक फंगस की एक और नई चुनौती भी सामने आई है। इससे निपटने के लिए जरूरी सावधानी और व्यवस्था पर ध्यान देना जरूरी है। महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, हरियाणा और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों ने ब्लैक फंगस को महामारी घोषित कर दिया है, जिसके बाद ब्लैक फंगस के हर केस को फॉलो किया जा रहा है। लेकिन ब्लैक फंगस महामारी के बीच सबसे बड़ी चिंता इसके इलाज में इस्तेमाल होने वाले इंजेक्शन एम्फोटेरिसिन की भारी कमी है। ये दुर्लभ बीमारी है, जिसकी वजह से अस्पतालों में इसकी दवा का काफी शॉर्टेज है। The one and only major problem is non-availability of lyophilized amphotericin B, which is the mainstay of treatment. There is an acute short supply of amphotericin B. In fact, all our patients who are admitted are not getting adequate dosage at all, because our usual stockists, usual suppliers have all refused to supply any vials to us, saying that all the medicine is going to be procured by the government. ब्लैक फंगस के मरीजों के इलाज के लिए इंजेक्शन की कमी की शिकायतें हर राज्य से मिल रही हैं, जिसकी शॉर्टेज को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट ने भी सरकार को एम्फोटेरिसिन बी इंजेक्शन विदेश से आयात करने के लिए कहा था। केंद्र सरकार ने एम्फोटेरिसिन बी की कमी सामने आने के बाद अब इसके उत्पादन के लिए 3 दिन में 5 कंपनियों को मंजूरी दी है। देश में 6 दवा कंपनियां पहले से ही एम्फोटेरिसिन इंजेक्शन बना रही थीं, जिन्होंने अपना उत्पादन बढ़ाया है। इसके अलावा भारतीय कंपनियों ने एम्फोटेरिसिन बी की 6 लाख डोज के आयात के लिए भी ऑर्डर दिए हैं। राज्य सरकारों के साथ साथ अब केंद्र सरकार भी ब्लैक फंगस की रोकथाम और इलाज के लिए एक्शन मोड में आ चुकी है। सरकार के माध्यम से, उसके संदर्भ में एक्सपर्ट्स के माध्यम से सभी संबंधित जानकारियां दी जा रही हैं। उसकी दवाई का प्रोडक्शन, उसकी उपलब्धता को भी रैंप अप करने के लिए डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स, ड्रग कंट्रोलर, उनकी तरफ से भी विशेष प्रयास हो रहे हैं। साथ ही ब्लैक फंगस से बचाव और उसके इलाज को लेकर लोगों में जागरूकता बढ़ाने वाले अभियान भी जोर शोर से चलाए जा रहे हैं। एक्सपर्ट सतर्क करते हैं कि कोरोना के जिन मरीजों को शुरुआत में ही स्टेरॉइड्स दिए गए, उनमें ब्लैक फंगस का संक्रमण हो सकता है। डायबिटीज मरीजों को स्टेरॉइड्स की बहुत ज्यादा डोज दिए जाने पर भी मरीज को ब्लैक फंगस होने का खतरा बढ़ जाता है।
अगर लंबे वक्त तक स्टेरॉइड्स दिए जाएं, तो भी लोग ब्लैक फंगस की चपेट में आ सकते हैं। इसलिए जरूरी है कि डॉक्टर्स कोरोना मरीजों के इलाज में ज्यादा सतर्कता बरतें। If you have COVID-19 and you are diabetic, please make sure your sugars are properly checked and your sugars are under good control. If you need steroids, make sure they are taken in the right dose and only when they are indicated. Do not misuse steroids when they are not required. And be aware of the possible features which could suggest that you may have mucor so that you can consult your doctor immediately. ब्लैक फंगस की बीमारी अगर हद से बढ़ जाए तो जानलेवा साबित हो सकती है, इसलिए जरूरी है कि इसके लक्षणों को जल्द से जल्द पहचान करें। आप इसकी पहचान कर सकते हैं अगर आपको नाक में दिक्कत महसूस हो रही हो, चेहरे के एक हिस्से में दर्द महसूस हो या वो सूज जाए, चेहरा सुन्न पड़ रहा हो, चेहरे का रंग बदल रहा हो, पलकें सूजने लगी हो, दांत हिलने लगे। ये वो शुरुआती लक्षण हैं जिनको पहचान कर अगर तुरंत इलाज शुरू हो जाए तो दवाइयों से ही ब्लैक फंगस ठीक हो सकता है। ये यूजुअली नोज के थ्रू जाएगा या माउथ में भी जा सकता है। तो जितनी जल्दी स्टेज वन पे हम पकड़ेंगे उतना ही इसका इलाज सक्सेसफुली होगा। जब ये फेज टू में जाता है कि जैसे आंखों में चला गया और कईयों कईयों की आपने देखी है कि आईज भी बहुत फूल जाती है, उसमें कई बार आई को सैक्रिफाइस करना पड़ता है, और उसके बाद स्टेज थ्री जब ब्रेन में चला जाए। तीसरी बात यह मैं बताना चाहूंगा कि इसका जो इलाज है वो मेडिसिन है, पर ये मेडिसिन जो है लंबे अरसे तक चलती है, 4 से 6 हफ्ते, और कई कई दवाइयां तो हम 3-3 महीने भी देते हैं जिसमें बहुत सीवियर इन्फेक्शन है। कोरोना के बीच ब्लैक फंगस बीमारी के अटैक ने एक नया मोर्चा खोल दिया है जिसे निपटने के लिए सिस्टम एक्टिव हो चुका है, लेकिन इस बीमारी के इलाज में इस्तेमाल होने वाली दवा एम्फोटेरिसिन की कमी अब भी एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। दिल्ली से अनिशा माथुर के साथ आज तक ब्यूरो। पहले कोरोना महामारी और अब ब्लैक फंगस ने भी महामारी का रूप ले लिया। देश के लगभग सभी बड़े राज्यों में ब्लैक फंगस तेजी के साथ फैल रहा है, और इसी बीच एक और खतरा पैदा हुआ है जिसका नाम है व्हाइट फंगस। तो आखिर है क्या ये व्हाइट फंगस और ये कैसे ब्लैक फंगस से बिल्कुल अलग है, इसी पर आधारित है हमारी यह खास रिपोर्ट। ब्लैक फंगस के बीच अब व्हाइट फंगस के मरीज भी आने लगे हैं। व्हाइट फंगस के कम से कम 4 मामलों का पता बिहार के पटना में चला है। हालांकि अभी भी व्हाइट फंगस को लेकर ज्यादा जानकारी मौजूद नहीं है, जैसे कि इसका सबूत नहीं है कि व्हाइट फंगस का संक्रमण अन्य राज्यों में भी फैल रहा है या नहीं, ना ही ये पता चल पाया है कि आखिर इस नए संक्रमण को क्या खतरनाक बनाता है। कहीं कहीं पे एक व्हाइट फंगस भी लोग बोल रहे हैं, कुछ लोग रिपोर्ट कर रहे हैं, मोस्ट प्रोबेबली दैट इज कैंडिडा की बात कर रहे हैं। कैंडिडा पहले भी होता था। जिनकी भी इम्यूनिटी घटती है, चाहे वो कैंसर का दवा चलने के चलते होता हो, ट्रांसप्लांट का दवा चलने के चलते होता हो, डायबिटिक हैं इसके चलते हो रहा हो, या स्टेरॉइड चल रहा है उसके चलते हो रहा है, ऐसे लोगों को फंगल इन्फेक्शन होने का चांसेस ज़्यादा रहता है। मेरे हिसाब से लोगों को सजग रहना चाहिए, डॉक्टर्स को भी इस पे ध्यान देना चाहिए, और बहुत मुश्किल नहीं है इसको डायग्नोस करना, बहुत इजीली डायग्नोस होता है। अर्ली डायग्नोसिस एंड एग्रेसिव ट्रीटमेंट इज द की टू द डिजीज। अभी तक ब्लैक फंगस और व्हाइट फंगस के बीच जो अंतर पता चला है वो ये है कि ब्लैक फंगस अब तक कोरोना के उन मरीजों में पाया गया है जिनको बहुत ज्यादा स्टेरॉइड दिए गए, जबकि व्हाइट फंगस के केस उन मरीजों में भी संभव है जिन्हें कोरोना नहीं हुआ। ब्लैक फंगस आंख और ब्रेन को सबसे ज्यादा प्रभावित करता है, जबकि व्हाइट फंगस आसानी से लंग्स, किडनी, आंत, पेट, यहाँ तक कि नाखूनों को भी प्रभावित करता है। इसके अलावा ब्लैक फंगस ज्यादातर मृत्यु दर के लिए जाना जाता है, जबकि व्हाइट फंगस के साथ ऐसा मामला है या नहीं ये अभी तक अज्ञात है। डॉक्टर्स कहते हैं कि व्हाइट फंगस एक सामान्य फंगस है जो कोरोना महामारी से पहले भी लोगों को होता था, कोविड से इसका कोई खास नाता नहीं है। ये कोई नई बीमारी नहीं है, क्योंकि जिन लोगों की इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा कम होती है उनमें ऐसी कंडीशन पाई जा सकती है। ये एक तरह का अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन है अगर साइंटिफिक भाषा में बोला जाए तो। देखिए, जो ब्लैक फंगस यानी म्यूकर माइकोसिस है वो एक अलग प्रजाति का फंगस है, लेकिन वो भी ऐसे ही मरीजों में हो रहा है जिनकी इम्यूनिटी ओवरऑल कम है। जो म्यूकर माइकोसिस है वो नाक से एंटर करके नाक को, नाक के पीछे के साइनसिस को, आँखों को और ब्रेन को इफेक्ट कर रहा है, लेकिन ये जो फंगस है कैंडिडा, अगर ये ब्लड में एक बार उतर जाए तो वो ब्लड के थ्रू
ब्रेन, हार्ट, किडनी और बोन्स इत्यादि सभी अंगों में फैल सकता है, इसलिए ये काफी खतरनाक फंगस माना जाता है। विशेषज्ञों के मुताबिक पटना के अस्पताल में भर्ती व्हाइट फंगस के सभी मरीजों में कोविड 19 से मिलते जुलते लक्षण थे, लेकिन कोरोना जांच में निगेटिव पाए गए एंटी फंगल दवाइयों से उनका इलाज किया गया। मेडिकल एक्सपर्ट्स ने सुझाव दिया है कि जिस तरह कोविड 19 के गंभीर मामलों में अतिरिक्त स्कैन की आवश्यकता होती है, उसी तरह व्हाइट फंगल संक्रमण का पता लगाने के लिए HRCT स्कैन परीक्षण की भी आवश्यकता होती है। ये इन्फेक्शन भी जानलेवा है अगर वो सिस्टमिकली प्रेजेंट है, यानी कि ब्लड में प्रेजेंट है या फिर हमारे ऑर्गन्स जैसे कि लंग में प्रेजेंट है। ये इन्फेक्शन जो है इसको लगने वाली दवाइयां थोड़ी अलग है, इसके लिए फ्लुकोनाजोल दिया जाता है या वोरिकोनाजोल दिया जाता है। ये बीमारी को व्हाइट बोला जाता है बिकॉज इसमें व्हाइट कलर का मेम्ब्रेन फॉर्म होता है कैंडिडा के कारण, या फिर व्हाइट कलर का ग्रोथ देखा जाता है जब हम उसको माइक्रोबायोलॉजी में देखते हैं, डिटेक्ट करने के लिए टेस्ट करते हैं। ये ब्लैक फंगस से क्यों अलग है? क्योंकि इसका तो एक तो है कि ये इन्फेक्शन कहीं पे भी हो सकता है जस्ट लाइक ब्लैक फंगस, बट इसको लगने वाली ट्रीटमेंट अलग है। जानलेवा कोई भी फंगल इन्फेक्शन जब ब्लड स्ट्रीम से फैलना स्टार्ट होता है तो वो वैसे ही जानलेवा हो जाता है। जानकार कहते हैं कि ब्लैक फंगस की तरह व्हाइट फंगस कोई नई बीमारी नहीं है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक व्हाइट फंगस के केस में अच्छे स्किन स्पेशलिस्ट से सलाह लेकर इस बीमारी से मुक्त हुआ जा सकता है। व्हाइट फंगस का अन्य राज्यों में फैलने का अधिक प्रमाण नहीं है, लेकिन एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि बिल्कुल ब्लैक फंगस की तरह यह भी बहुत तेजी से फैल सकता है, लेकिन ये कितना जानलेवा है इसके बारे में भी इस समय डेटा अवेलेबल नहीं है। वाराणसी से रोशन जायसवाल और दिल्ली से स्नेहा मोरदानी के साथ आज तक ब्यूरो। इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए देखते रहिए आज तक।